राजनीति का गढ़ कहे जाने वाले भिवानी से आज इनेलो व बसपा गठबंधन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जेल भरो आंदोलन की शुरुआत कर दी है। पहले तो हुड्डा पार्क में रैली को संबोधित किया गया, बाद में हुड्डा पार्क से चलकर भिवानी जिला उपायुक्त को अभय चौटाला, सांसद दुष्यंत चौटाला समेत अशोक अरोड़ा, बसपा प्रकाश भारती ने अपनी अपनी गिरफ्तारियां दी। आपको बता दें कि SYL मुद्दे को लेकर आज इनेलो व बसपा पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर जेल भरो आंदोलन के तहत लड़ाई छेड़ दी है। केंद्र की सरकार को, प्रदेश की सरकार को इस बात के लिए चेताया है कि अगर आपने जल्दी नहर का निर्माण नहीं शुरू किया तो हम पूरे हरियाणा प्रदेश में जिस तरह से बड़ी मीटिंगें करके प्रदेश के हक और अधिकार के लिए जहां आंदोलन करेंगे वहां जेल भरने का भी काम करेंगे और हम तब तक जेल से रिहाई नहीं होंगे जब तक इस नहर का निर्माण शुरू नहीं हो जाएगा। हम हर हालत में हरियाणा प्रदेश के लोगों को उसके अधिकार दिला करके गठबंधन हुआ कल करनाल में, सीएम ने कहीं ना कहीं सेंध लगाने की कोशिश की। इस सरकार से हर वर्ग के लोग दुखी परेशान है। कल इनके एक MLA को भी जूतों से पीटा गया है और आने वाले हम ऐसा आंदोलन खड़ा कर देंगे कि हरियाणा प्रदेश के किसी भी सड़क के रास्ते से किसी दूसरे एक से दूसरे स्थान में जा भी नहीं। इनेलो पार्टी ने SYL मुद्दे को लेकर पिछले काफी दिनों से संघर्ष कर रही है, अब एक बार फिर यह अभियान तेज कर दिया है। इसकी शुरुआत भिवानी से की गई। हिंद एक्सप्रेस के लिए भिवानी से अमन शर्मा की रिपोर्ट।